के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, देखना ये होगा कि क्या निकल करके आता है, कौन आरोपी होता है, कौन संदेह के घेरे में है, उन तमाम चीजों पर ऋषभ लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके पास फिर बात करने के लिए लौटेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो है शाहीन बाग, क्योंकि कल यहां पर फायरिंग हुई और आज यहां पर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। हम ठीक बिल्कुल उस जगह पर मौजूद हैं जहां कल फायरिंग हुई थी। मैं यहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर यहां वो युवक पकड़ा गया था जहां पर उसने फायरिंग की, जहां खड़े होकर। और हम आपको ये दिखा दें तस्वीर कि आज यहां पर क्या स्थिति है। एक तरफ यहां पर लोग एकजुट हो गए हैं, बीच में ये बैरिकेडिंग पुलिस की है, पूरी सुरक्षा का इंतजाम है, लेकिन एक मुश्किल दिन पुलिस के लिए हो सकता है, क्योंकि आप अगर सामने देखेंगे तो बैरिकेड पर आपको लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, भीड़ खड़ी हुई दिखाई देगी। यहां पर ये लोग एकजुट हैं इसलिए कि ये CAA के खिलाफ हो रहे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के खिलाफ खड़े हैं। इनका कहना है कि ये जगह खाली कीजिए, और नारेबाजी चल रही है लगातार शाहीन बाग में हो रहे प्रोटेस्ट के खिलाफ, ये नारेबाजी चल रही है और ये लोग एकजुट हैं। उधर भी तिरंगा हाथों में पकड़े हुए हैं, लगातार नारे लग रहे हैं कि CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है शाहीन बाग में, वो लोग उसको खाली करके निकल जाएं। और दूसरी तरफ की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो तिरंगा दोनों जगह, नारेबाजी दोनों तरफ चल रही है, बीच में पुलिस है, बैरिकेड है, और मुश्किल है हालात पुलिस के लिए इसको मैनेज करना, क्योंकि ठीक इसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इधर वो क्राउड जो पिछले 1.5 महीने से यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, आज हिंदू सेना के द्वारा कॉल भी दी गई थी कि यहां पर एकजुट हो, इस प्रोटेस्ट को खाली कराएं, और उसी कॉल के बाद यहां पर स्थानीय लोग और कुछ संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिसके बाद की बैरिकेड के एक तरफ वो प्रोटेस्टर जो इस जगह को खाली कराना चाहते हैं, और बैरिकेड के दूसरी तरफ शाहीन बाग के वो प्रोटेस्टर जो पिछले 1.5 महीने से CAA और NRC के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए, हम आपको ये पूरी जगह दिखाते हैं जहां कल वो घटनाक्रम हुआ, जहां कल वो फायरिंग हुई, और ये देखिए इस तरीके से रस्सियां पूरे रास्ते में लगाई हुई हैं, जिस पर कि कुछ जब यहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो वॉलंटियर्स दोनों तरफ से आकर के खड़े हो जाते हैं इन तमाम रस्सियों पर। और इसी बैरिकेड से जब कल शाम को, कल दोपहर बाद वो युवा यहां पर पहुंचा तो नारे लगाते हुए यहां से फायरिंग करते हुए आया, और मैं आपको वो स्पॉट भी मैं आपको दिखाऊं कि जहां पर ये फायरिंग हुई और उस लड़के को पकड़ा गया। लेकिन क्या ये हालात हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, नीरज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, जो हालात बन रहे हैं, लगातार बयानबाजी हुई नेताओं की तरफ से, कल कॉल दिया गया हिंदू सेना की तरफ से, लगातार यहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्योंकि रोज इस तरह की फायरिंग हो रही है इस पूरे इलाके में, जामिया हो या शाहीन बाग, कैसे निपटा जाएगा इस स्थिति से, क्या ये स्थिति बन रही है? चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो कितना खतरनाक है? देखिए, चुनाव की अगर बात करें तो शाहीन बाग की जो स्थिति, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का यही कहना है कि वो 8 तारीख को चुनाव जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। लेकिन इस बीच अनुराग बता दे कि इस वक्त हम लोग डोर टू डोर कैंपेन जहां गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं वहां पहुंचे हुए हैं, और वो पहुंच गए हैं वेन्यू पे जहां कार्यक्रम स्थल है, और हर घर में अपने प्रत्याशी का पर्चा वो लोगों को दे रहे हैं और उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगर आपको कैमरे पे नजर आ रहा होगा, अमित शाह लोगों से मुलाकात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से, और ये अपील करते हुए कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाएं। और अमित शाह, आपको याद होगा कि पहले जब फायरिंग की घटना हुई थी तब अमित शाह ने ट्वीट किया था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी जो फायरिंग हुई है उस पर आधिकारिक तौर पे गृह मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं आया है। लेकिन इस बीच शाहीन बाग का जो मुद्दा है तमाम पार्टियों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शाहीन बाग पर अपना बयान भी दिया है और वहाँ के लोगों के खिलाफ बयान दिया। लेकिन इस बीच आपको दिखाना चाहेंगे ऊपर में किस तरह से गलियों में पहुंच रहे गृह मंत्री नीरज खुद डोर टू